Now, we are going to learn the preposition at. हम at a preposition का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हिंदी सेंटेंस में, के, नजीक, से, इन प्रिपोजिशन के लिए अंग्रेजी में at का इस्तेमाल किया जाता है। At a preposition, फिर अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड और सभी प्रकार का ग्रामर इनका इस्तेमाल करके हम इन वाक्यों को, इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए खाना खाने के लिए हम टेबल के नजीक बैठे। रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को ना देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहाँ पर पूर्णविराम होता है वहाँ पर कौन सा शब्द है देखना होता है। बैठे, जाए, खाए, इस तरह से ये आता है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। बैठने का सेकंड फॉर्म है सैट। देखिए वही सैट, उसके अहली ओर इसके नजीक के लिए आएगा एट, उसके अहली ओर टेबल के लिए द टेबल। देखिए We sat at the table. We sat at the table. उसके अलावा और इसके लिए आएगा टू, खाने के लिए हैव और खाना के लिए आवर लंच है हमारा खाना। देखिए We sat at the table to have our lunch. We sat at the table to have our lunch. We sat at the table to have our lunch. We sat at the table to have our lunch. We sat at the table to have our lunch. We sat at the table to have our lunch. We sat at the table to have our lunch. उस रास्ते के किनारे मेरा घर है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट है मेरा घर, माई होम। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा इज, माई होम इज, उसके आएगी वो इस रे के लिए एट, इस रे के लिए एट, इस किनारे के लिए द कॉर्नर, उसके के लिए ऑफ और उस रास्ते के लिए द स्ट्रीट यानी उस रास्ता द स्ट्रीट। देखिए माय होम इज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। माय होम इज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। माय होम इज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। My home is at the corner of the street. My home is at the corner of the street. My home is at the corner of the street. My home is at the corner of the street. My home is at the corner of the street. My home is at the corner of the street. पूरी गति से वह कार भाग रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह कार। वह कार के लिए द कार। और हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर रही थी आता है, भाग रही थी, जा रही थी, आ रही थी, खा रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम वॉज वेयर और वर्ब का आईएनजी फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। देखिए द कार वॉज रनिंग, उसके अहली ओर इस से के लिए विथ और पूरी गति के लिए फुल स्पीड यानी पूरी गति। देखिए द कार वॉज रनिंग विथ फुल स्पीड। द कार वॉज रनिंग विथ फुल स्पीड। The car was running with full speed. 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 5% से मैंने उससे पैसे उधार लिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने। मैंने के लिए आई आर। अब उधार लेने का ये सिंपल पास्ट टेंस होता है। लिए आएगा तो हमें सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। उधार लेने का सेकंड फॉर्म है बोरोड। देखिए आई बोरोड, उसके अहली ओर पैसे के लिए मनी, से के लिए फ्रॉम और उससे के लिए हिम। देखिए आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम। इस से के लिए आएगा एट, से के लिए एट और 5% के लिए 5%। देखिए आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम at 5%. I borrowed money from him at 5%. I borrowed money from him at 5%. I borrowed money from him at 5%.
I borrowed money from him at 5%. फिर से देखिए, we sat at the table to have our lunch. My house, my home is at the corner of the street. The car was running with full speed. I borrowed money from him at 5%. फिर से देखिए, we sat at the table to have our lunch. My home is at the corner of the street. The car was running at full speed. I borrowed money from him at 5%. इस तरह से हमने एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके, सभी प्रकार के ग्रामर का इस्तेमाल करके और रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से इन सेंटेंसों को हमने अंग्रेजी में बनाया। और इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड पर डिपेंडेंट मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है योर स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स दिए गए हैं। ये जो हिंदी सेंटेंस के नीचे मैंने यहाँ के दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 25-30 रूल पहले 8-10 पन्नों पर है। उसके बाद अंग्रेजी में या हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन सा शब्द आए तो हमें कौन सा काल इस्तेमाल करना चाहिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए, ये यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 25-30 सेंटेंसेस इस तरह से हिंदी में भी नंबर के साथ, अंकों के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब के फॉर्म के साथ है, और अंग्रेजी में भी ये नंबर के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब के फॉर्म के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन एमपीएससी यूपीएससी में जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर वो हिंदी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है, और वही भाग उसके अगले पन्ने पर अंग्रेजी में नंबर के साथ, अंकों के साथ है। लेकिन छात्रों को या विद्यार्थियों को इन अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है, लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक दिए गए हैं इन अंकों की ओर देखते हुए अपने दिमाग से या अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। जब आप शुरू में कोशिश करोगे तो आपकी गति, आपकी स्पीड बहुत धीमी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और एक 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपके दिमाग को ऐसी गति प्राप्त हो जाती है, फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो फिर इन नंबरों के, अंकों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने दिमाग में आया कोई भी सेंटेंस हम जिस गति से हिंदी बोलते हैं, बिना सोचे जैसे हम हिंदी बोलते हैं, उसी तरह से हम अंग्रेजी में, हम हिंदी जिस गति से बात कर सकते हैं उस गति से बिना सोचे हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। इतनी सिंपल और सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाली है टेक्निक है। आपके दिमाग में अगला सवाल होगा कि इतनी सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला ये किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक हमने बनाई है। देखिए, हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। देखिए क्या है मोबाइल नंबर 8983006177। इस नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका पूरा एड्रेस, परिपूर्ण एड्रेस, और उस नाम के साथ आपका स्टेट जो है राजस्थान, गुजरात, जो वो भी, और पिन कोड, इसका एक एसएमएस आपको क्रिएट करना है। और एसएमएस इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर आपको एसएमएस भेजना है। एसएमएस हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर आपको एक किताब और इसकी एक डीवीडी आपके एड्रेस पर पोस्टमैन लाके देगा। एक किताब और डीवीडी आपको मिलने के बाद इसकी कीमत 200 रुपये आपको पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द आप एक किताब प्राप्त करोगे और जिंदगी में कहीं भी जाकर, दुनिया में कहीं भी जाकर अपनी एक अलग सी दुनिया बसाने के लिए सबसे जरूरी है कि अंग्रेज भी जिस कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी बोल नहीं सकते उनसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हम सब भारतीयों को अंग्रेजी बोलने आना जरूरी है। इस कुशलता में, इस स्किल में आप परफेक्ट बनोगे, परिपूर्ण बनोगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी एक बात देखिए, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर में ये सब्सक्राइब ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद
आप मेरे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं। और ऐसे 300 वीडियोस अभी यूट्यूब पर हैं जो आपको अंग्रेजी बोलने की स्किल सिखा देंगे, वो सभी वीडियोस आप देख सकेंगे ही। उसके साथ ही इसके आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे, हर रोज हम वीडियोस बनाते रहेंगे, उन वीडियोस को हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। उन वीडियोस को हमने यूट्यूब पर अपलोड करते ही दूसरे क्षणों में वो वीडियोस आपके जीमेल अकाउंट पर मिलते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो इंटरनेट के जरिए हैं उनका इस्तेमाल करें। आपको दोस्तों तक SMS भेजे, उनको संदेश दे कि वो भी इस चैनल को देखे, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, इसकी भी आपके दोस्तों को ये संदेश भेजे, इसकी भी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।